बीच में दलाली खाने का, गलत काम करने का आदत पड़ गया, बहुत कर रही हमारे मोहल्ला में इनको, मतलब इनपे अगर भाजपा में अगर इस तरीके से कार्य करना है तो ये ऐसे थोड़ी काम होगा कि एक तरफ नेतागिरी और एक तरफ गुंडागर्दी, और किसी के घर में घुस के मीटिंग करनी है, घर घर की नेतागिरी करोगे या बाहर कोई समस्या लेके आएगा उसकी नेतागिरी करनी है। ये सांसद जी विधायक की जो आपसे बात हुई थी इसमें क्या आपसे आशा से मिला? अब आप क्या करना चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं जो दरिंदे हैं, जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। उनका भी 65 साल का बुजुर्ग, मेरा मैं विकलांग, मेरा बेटा विकलांग और मेरे घर में मेरे भाइयों के साथ मिल करके मेरे जमीन हड़पना चाहता है और जो कहता है कि 1,00,000 रुपये दो नहीं तो खाली करो और जाता तो मैं मरवा दूंगा, और जो कहता है कि जेल में चढ़वा दूंगा तुम्हें, तुम्हें इतने मुकदमे लगाऊंगा मैं। यहाँ पार्टी कार्यालय पर आप आए हो, आपकी कोई सुनवाई की गई है? कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई ना थाने पे हुई और न पार्टी आई आए, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, कोई हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम उनकी अरेस्टिंग चाहते हैं, अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। मैं बहुत बड़े साल हो गया हूँ, जगह जगह भाग नहीं सकता, विकलांग आदमी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हूँ मैं, और ये धोस देते हैं आए दिन, कभी रिवाल्वर दिखाते हैं, कभी बदमाशों को भेजते हैं, मेरे लड़कियों दामाद के पीछे बदमाश लगा दिए उन्होंने, मेरे पीछे भी बदमाश लगा दिए, बचाओ तो मैं जाऊँ तो जाऊँगा। गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझसे धोस मांगी गई है, चौथ मांगी गई है, 1,00,000 रुपये मुझे दे दे संजू बजाज, ये संजू बजाज बार बार मुझे संजू बजाज कहता मैं भाजपा का महामंत्री हूँ। संजू बजाज है कौन? ये महामंत्री है, महामंत्री बताता है भाई आपको, भाजपा का महामंत्री बताता है और अब जैसे गरीबों को बताता है और जो दलाली का काम करता है, पूरा मोहल्ला परेशान है उससे, हमारे यहाँ पूरा जिला परेशान है, पूरा हमारे यहाँ कहीं पड़ा हुआ, हमारे यहाँ कहीं सपा हुआ, हम पे चढ़ के बार कर रहा है, हमारे परिवार का विवाद है, कोई जाटव है, कोई माहौर है, उस तरह का विवाद है आपस का, इनका आपस की घर घर की लड़ाई है, वो विवाद है। उन्होंने अपने समझौते की बात कही है, लड़का खड़ा, क्या नाम है तेरा? छोटू है, इनका विवाद है वो, उसमें विवाद में अभी मैंने बोला शनिवार को जन सुनवाई रहती है हमारी, शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाकर इनका समझौता करवाने का काम करते हैं। संजू बजाज पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट करके, क्या होता है कि उसी मोहल्ले में रहता है संजू बजाज, इसलिए इनको लगता है कि वो दूसरों की पक्ष करता है, और कोई बात इससे पार्टी की छवि भी तो बेकार है, पार्टी की कोई छवि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है संजू बजाज, संजू बजाज पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, इनको लगता है उनकी समस्या को दूर करने का काम, काफी विरोध है, काफी आदमी आ चुके हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, समस्या समाधान किया जा रहा है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, काफी बुजुर्ग है वो, उनको भी मारा है, मारा नहीं उनको, उन्होंने समस्या रखी है कि मेरे परिवार के साथ वो हो रहा है, उसको समस्या समाधान सही अभी कह रहे हैं, बस की आ रही है।